इस्लाम जब पैदा हुआ, पैगंबर पैगंबर पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। अब अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी। इस्लाम की सबसे बड़ी राजनीतिक देन है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी, उसमें जिन्ना जैसे लोग कहीं नहीं बैठते सर। और सर, इस्लामिक स्टेट ने इतनी यूनिवर्सिटियां खोली, इतनी। इस्लाम की जो सबसे बड़ी राजनीतिक देन है वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। रेनेसांस की जो पृष्ठभूमि बनी ना सर, वो इन्हीं यूनिवर्सिटियों में बनी सर। इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लोगों का सपना होता था कि हम इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ें। अगर इस्लाम का इतिहास देखा जाए, 8th century से 15th century, और सुप्रीम अचीवमेंट सर, गाइडेंस इतनी जबरदस्त, एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। औरंगजेब ने पूछा, आप संत हैं, आपने हथियार उठा लिए, क्यों? और ये आप दाढ़ी और बाल क्यों रखते हैं बड़े बड़े सन्यासियों की तरह? बोले, हम सेंट वॉरियर्स हैं, हम धर्म के लिए लड़ते हैं। धर्म मतलब सिखिज्म नहीं, धर्म मतलब मानवता। मैं एक जगह क्लास लेने गया, उन्होंने मुझसे कहा, ओझा साहब आपने मुगलों की बड़ी तारीफ कर दी। मैंने कहा, सर मैं थोड़ी करता हूँ, इतिहास करता है सर। बोले, नहीं नहीं आपने कुछ ज्यादा ही कर दी। जैसे मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ कि वेस्ट जो है, यूरोप बहुत कहता है कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, और मुसलमान अपनी औरतों को सप्रेस करते हैं, अपनी औरतों को पर्दे में रखते हैं। तो पता है उससे पीछे उनका मोटिव क्या है? सबसे बड़ी जो वेस्ट की इंडस्ट्री है वो लिकर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक। अब अगर कोई लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, तो नुकसान किसका? वेस्ट का। तो आप सीधे तो कह नहीं सकते कि यार तुम हमारा नुकसान करा रहे हो, तो बेइज्जती करेंगे। इस्लाम जब पैदा हुआ, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में, यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम प्रेम मैसेज। हुजूर साहब गुजरते थे एक रास्ते से, कोई महिला उनके ऊपर डेली कूड़ा फेंकती थी, हमारे आपके ऊपर फेंक दे हम तो गोली चला दे तुरंत। पैगंबर पैगंबर, हम तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। पैगंबर मालिक का सीधा हाथ है उस आदमी के सर पे। एक दिन उस महिला ने कूड़ा नहीं फेंका, वो मकान के अंदर गए, पता किया कि मोहतरमा कहाँ है, पता चला बीमार है, गए हालचाल पूछा, कहा मालिक से दुआ करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाए। ये है, ये हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है, चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। ये मैसेज है, मैसेज। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, तैफ शहर का नाम सुना होगा, लोग बैठे हो तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते, गाली देते। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर दो पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले, नहीं जाने दो, ये लोग, ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। इस्लाम की सबसे बड़ी देन जो इस देश के 90% मुसलमानों को नहीं पता है, वो है एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी। और इसमें दो नाम इतने महान है, एक अल हारून और दूसरा उसका बेटा अल मामून। सर पढ़िए कभी इनके बारे में, 90% मुसलमान। औरंगजेब का नाम जानते हैं? इन लोग का जानते ही नहीं। औरंगजेब बड़ा बढ़िया आदमी था, चच्चा थे तुम्हारे ना, हे भाई साहब, वो महान आदमी था। हाँ बहुत महान था, एक बार आसमान में से उंगली डाल के छेद कर दिया था, वो बाद में नासा वालों ने भरा। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया सर बगदाद में, बैतुल हिकमत, पर मुसलमानों से कुछ बोल दो नाराज हो जाते हैं, संगी है, संगी 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 है ये। हाँ, बैतुल हिकमत, सबको बुलाया सर, पूरी दुनिया के विद्वानों को। ये इस्लाम की राजनीति को सबसे बड़ी देन है, कैलिफ सिस्टम। जो आदमी एनलाइटेंड होगा वो स्पिरिचुअल हेड होगा और वही पॉलिटिकल हेड होगा। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उमर साहब की कहानियां सुनो सर, मुसलमान इसी को भूल गया। नेता चुनो सर, तुम दलित नेता चाहते हो ना, दलित नेता चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, कोई आर हारून जैसा चुनो। पढ़ो इस आदमी का इतिहास, लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, साइंस में कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन, पावर्टी में कंट्रीब्यूशन। नहीं नहीं, वो आरएसएस वाले जो है मुसलमानों के पीछे 2014 में आए,
2014 में आए, उससे पहले की कंडीशन देख लो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, इतना बड़ा ये बिंदी देख रहे हैं, इतना बड़ा इसराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड। सर आपको शायद ही ये बिंदु दिखाई पड़ रहा हो, इतना बड़ा इसराइल और इतना बड़ा अरब वर्ल्ड, आपको ये आकर्षित नहीं करता? आपको इनसे सीखने का मन नहीं करता? गाली देना किसी समस्या का समाधान नहीं है। हमारे बड़े सारे मुस्लिम भाई हैं, उनको मैं देखता हूं किसी को तुरंत गाली देने लगते हैं। तारिक फतेह चोर है, अच्छा क्यों? वो अरा का एजेंट है, हिंदुस्तानियों का एजेंट है, तो क्यों नहीं बहस करते उससे जाकर, उसको साबित करो कि तुम गलत हो, उसको बुलाओ किसी मजलिस में, उसके तर्कों को काटो। नहीं नहीं, वो शैतान का आदमी, शैतान इबलीस का आदमी। और जब भी तुम किसी को गाली देते हो तो एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि तुम उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था यहूदियों के हाथ में है सर, इतना ऑयल रिजर्वर होते हुए तुम उनके गुलाम हो। 48 में मारा, 56 में मारा, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा बेड़ा उड़ा देते हैं, स्विस कैनाल पे कब्जा कर लेते हैं, इजिप्ट की एयरफोर्स पूरी उड़ा देते हैं, तुम्हें ये चीज आश्चर्य नहीं करती? बस गाली ही देते हो। और 1870 में एक किताब आई हिंदुस्तान में, द इंडियन मुसलमान, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब, द इंडियन मुसलमान। और इस किताब जो है, इस किताब ने कहा कि 80% मुसलमान इस देश में पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। तब तो मोदी नहीं था, तब तो बीजेपी नहीं थी। 1206 से लेकर 1707 भारत में राजा कौन है? मुसलमान। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कैसे हो गया? मैंने बड़े सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअलों से सवाल किया, मौलानाओं से कहा, मैंने कहा चाचा ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, वो जो है वो कुछ दूसरा मसला है, वो आप नहीं जान पाए। नहीं नहीं, कैसे हो गया, तब तो ये लोग थे नहीं। इसका मतलब कोई बुनियादी दिक्कत है जिस पे लोग जा नहीं रहे। ये मकसद है मेरा आपको इस कहानी सुनाने का। यहां पे तो सर मुसलमान शासक है, फिर 80% गरीब पिछड़े क्यों? काकोरी कांड हुआ ना, तो उसमें असफाकुल्ला खान नहीं थे, तो असफाकुल्ला खान ने चंद्रशेखर आजाद से कहा कि तुम लोग कहते हो भारत माता, तो मेरी माँ नहीं है, आज कह दो मेरी माँ नहीं है, और अगर है तो मुझको जाने दो। यही तो पिछले 30 साल में इस देश में क्या हुआ, कुछ चीजें दिखाई गई हैं जबरदस्ती समाज को, ये मुसलमान, ये दलित, ये ब्राह्मण, यही तो मैं कह रहा हूं, और इतनी गहराई में दिखाई गई है कि अब व्यक्ति को लगता है कि यही सही है। जलालुद्दीन मंगाबरानी, ये सब नाम नोट कर लेना, मुसलमान, हिंदुस्तान की सरजमी पर आता है, इल्तुतमिश से कहता है कि मुझे शरण दे दो चंगेज खान के खिलाफ। उसने कहा नहीं, धर्म का राजनीति से कोई रिश्ता नहीं होता। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि कयामत के दिन मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं वो करता हूँ जो मेरी प्रजा के लिए अच्छा है। एक बहुत बड़े मौलाना थे शेख अहमद सरहिंदी, उनको जहांगीर 12 साल जेल में रखा था, तो जहांगीर समझदार आदमी था ही, उसने कहा वाह बताओ मौलाना कि इस देश का शहंशाह कौन? बोले सरकार आप। तो बोले अगर जिब्राइल को कुछ कहना है तो हमसे आगे कहे, तुमसे कहने की क्या जरूरत है।